कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हो गए। वेलकम टू द पाकिस्तानी ब्रूज रिएक्शंस। स्वागत है आपका हमारी कोई ब्रांड न्यू वीडियो में। मतलब सुर के साथ ही बोलता है यार, मतलब थोड़ी चेंजिंग होनी चाहिए ना। चलो 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 चलो। अच्छा, मैं वजाहत हूँ जैसे कि आप सबको पता है, और मैं हूँ बशीर, वो भी आपको पता है। तो गाइस आ गए हम एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो का टाइटल बताते चलूँ, और ये भी बताऊँ कि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है, हमें लिंक्स आए हैं बाकायदा इसके, तो बनानी तो बनती थी। टॉप 5 वर्ल्ड डेडलीस्ट क्रूज मिसाइल, मतलब वर्ल्ड के डेडलीस्ट क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल, अब देखते हैं भाई क्या है। क्या डिफेंस स्क्वाड का वीडियो है, हाँ, तो इनका वीडियो अगर मैं फैन हूँ तो जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो, उसके बाद बाकी बातें होंगी। तो हम लगा लेते हैं अपनी टूटियाँ। सो काउंट डाउन करते हैं, 1 2 3 एंड स्टार्ट। सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में। कोई भी देश तभी ताकतवर बन सकता है जब उस देश की सेना शक्तिशाली हो, और कोई भी सेना तभी शक्तिशाली हो सकती है जब उसके पास शक्तिशाली हथियार हो। और आज के समय में ऐसे खतरनाक हथियार विकसित हो चुके हैं जो बड़े से बड़े टारगेट को भी पल भर में नष्ट कर सकते हैं, और ऐसे खतरनाक हथियारों की लिस्ट में सबसे ऊपर है मिसाइल्स। तो आज के एपिसोड में हम आपको दुनिया की ऐसी ही 5 सबसे डेडलीस्ट क्रूज मिसाइल्स के बारे में बताने जा रहे हैं। So without wasting any time, let's begin. तो वीडियो शुरू करने से पहले ये जान लेते हैं कि क्रूज मिसाइल्स होती क्या हैं। क्रूज मिसाइल्स गाइडेड मिसाइल्स होती हैं जिनका इस्तेमाल टेरिस्ट्रियल टारगेट्स को नष्ट करने के लिए किया जाता है। इन मिसाइल्स के अंदर गाइडेंस सिस्टम को लगाया जाता है जो मिसाइल को टारगेट तक पहुंचने में गाइड करता है। क्रूज मिसाइल्स को मुख्य रूप से लंबी दूरी तक ज्यादा मात्रा में वॉरहेड को कैरी करने के हिसाब से डिजाइन किया जाता है। और आज के समय की क्रूज मिसाइल्स सुपरसोनिक और हाईली सबसोनिक स्पीड के साथ ट्रेवल करने में सक्षम है। तो चलिए जानते हैं कि आज के समय में दुनिया की 5 सबसे डेडलीस्ट क्रूज मिसाइल्स कौन कौन सी हैं। सबसे पहले है 3M54 क्लब। ये एक रशियन मेड क्रूज मिसाइल है जिसे नोवाटर डिजाइन ब्यूरो ने विकसित किया है। इस मिसाइल को सबमरीन्स, सरफेस वेसल और स्टैटिक और स्लो मूविंग टारगेट्स को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये मिसाइल्स कई तरह के वेरिएंट्स में आती है। इसकी लेंथ 6.2 मीटर से लेकर 8.9 मीटर है, और इसका डायामीटर 0.533 मीटर। इस मिसाइल का वेट 1300 किलोग्राम से लेकर 2300 किलोग्राम तक है, और ये 500 किलोग्राम तक कन्वेंशनल और न्यूक्लियर दोनों तरह के वॉरहेड्स को कैरी करने में सक्षम है। इस मिसाइल में मल्टी स्टेज सॉलिड फ्यूल रॉकेट टर्बोजेट इंजन का इस्तेमाल किया गया है, और इस मिसाइल की रेंज 50 किलोमीटर से लेकर 2500 किलोमीटर तक है। इस मिसाइल की मैक्सिमम स्पीड Mach 0.8 से लेकर Mach 2.9 तक है। इस मिसाइल में इनिशियल गाइडेंस प्लस टर्मिनल एक्टिव रडार होमिंग जैसे गाइडेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, और इस मिसाइल को नेवल शिप्स, सबमरीन्स, कंटेनर्स, एयरप्लेन्स और ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है। अगली है ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज गति वाली मीडियम रेंज रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे भारत और रशिया की जॉइंट वेंचर कंपनी ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड ने विकसित किया है। इस मिसाइल की लेंथ 8.4 मीटर, डायामीटर 0.6 मीटर, और इसका वेट 2500 किलोग्राम से लेकर 3000 किलोग्राम तक है। ये मिसाइल 200 किलोग्राम से लेकर 300 किलोग्राम तक के कन्वेंशनल और न्यूक्लियर दोनों तरह के वॉरहेड्स को कैरी करने में सक्षम है, और ये मिसाइल भी कई अलग अलग तरह के वेरिएंट्स में आती है। इस मिसाइल में सॉलिड फ्यूल रॉकेट बूस्टर और लिक्विड फ्यूल रैमजेट इंजन का इस्तेमाल किया गया है। इस मिसाइल की मैक्सिमम रेंज 450 किलोमीटर है, जिसे 800 किलोमीटर तक अपग्रेड किया जा सकता है। इसकी मैक्सिमम स्पीड Mach 2.8 से लेकर Mach 3 तक है। इस मिसाइल में टर्मिनल गाइडेंस बाय एक्टिव रडार होमिंग, GPS, ग्लोनास, IRNSS और गगन सैटेलाइट गाइडेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, और इस मिसाइल को सिप, सबमरीन, एयरक्राफ्ट और लैंड किसी भी प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। अगली है C802। ये एक चाइनीज मेड लैंड अटैक एंटी सिप क्रूज मिसाइल है, जिसे चाइनीज कंपनी चाइना हैंग इलेक्ट्रोमैकेनिकल टेक्नोलॉजी एकेडमी ने मैन्युफैक्चर किया है। इसकी लेंथ 6.392 मीटर, डायामीटर 36 सेंटीमीटर, और इसका वेट 715 किलोग्राम है।
ये मिसाइल 165 से लेकर 285 किलोग्राम तक के वॉरहेड को कैरी करने में सक्षम है और इसमें टर्बोजेट इंजन का इस्तेमाल किया गया है। इस मिसाइल की मैक्सिमम रेंज 500 किलोमीटर तक है और इसकी मैक्सिमम स्पीड मैक 0.9 है। इस मिसाइल में इनिशियल और टर्मिनल एक्टिव रडार गाइडेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है और इसे ग्राउंड बेस्ड व्हीकल्स, नेवल शिप्स और फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट से लॉन्च किया जा सकता है। अगली है P-800 ऑनिक्स। ये एक रशियन मेड सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल है और ये आज के समय की सबसे डेडलीस्ट एंटी शिप मिसाइल्स में से एक है। इसकी लेंथ 8.9 मीटर, डायामीटर 0.7 मीटर और इसका वेट 3000 किलोग्राम तक है। ये मिसाइल 250 किलोग्राम तक के वॉरहेड को कैरी करने में सक्षम है और इसमें रैमजेट इंजन का इस्तेमाल किया गया है। इस मिसाइल की मैक्सिमम रेंज 600 किलोमीटर तक है और इसके मैक्सिमम स्पीड मैक 2.5 है। मिड कोर्स इनर्शियल गाइडेंस और एक्टिव रडार होमिंग पैसिव रडार जैसे गाइडेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है और साथ ही इस मिसाइल को फायर एंड फॉरगेट सिस्टम से भी इक्विप्ड किया गया है। इस मिसाइल को नेवल शिप्स और फिक्स विंग एयरक्राफ्ट से लॉन्च किया जा सकता है। अगली है P-270 मॉस्किट। ये भी एक रशियन मेड सुपरसोनिक मिसाइल है। इसकी लेंथ 9.745 मीटर, डायामीटर 0.8 मीटर और इसका वेट 4500 किलोग्राम है। ये मिसाइल 300 किलोग्राम तक के वॉरहेड को कैरी करने में सक्षम है और इसमें 4 रैमजेट इंजन्स का इस्तेमाल किया गया है। इस मिसाइल की मैक्सिमम रेंज 250 किलोमीटर और इसकी मैक्सिमम स्पीड मैक 3 है। इस मिसाइल में इनिशियल गाइडेंस प्लस टर्मिनल एक्टिव रडार होमिंग जैसे गाइडेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। इस मिसाइल को नेवल शिप्स, फिक्स विंग एयरक्राफ्ट और कोस्टल और रोड मोबाइल ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है। तो ये थी दुनिया की 5 सबसे डेडलीस्ट क्रूज मिसाइल्स। आपको इनमें से कौन सी मिसाइल सबसे ज्यादा डेडलीस्ट लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को लेकर आपका कोई सुझाव या सजेशंस हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्पीड के मामले में तो ब्रह्मोस से आगे कोई नहीं है। और मैंने एक और बात जो नोट की है ना, तो ब्रह्मोस की मतलब जो रेंज थी ना वो 800 मीटर तक थी और बाकी मैंने जो नोट किए सारे 250 किलोमीटर। हाँ, और मतलब और दूसरी बात जो मैंने नोट की, हाँ, ब्रह्मोस जो था ना वो वॉरहेड ज़्यादा गहरी कर पा रहा था। तो मैं मतलब थोड़ा हैरान हूँ, शायद इक्विपमेंट दूसरे कुछ चेंज होता अब। हाँ, वो क्या पता इन लोगों ने खुद भी अगर थोड़ा बहुत अपग्रेडेशन की हो। हाँ, जिसकी और अवर आल और बाकी मतलब रशिया के 3 थे बीच में क्रूज मिसाइल, चाइना का 1 था। हाँ, तो इंडिया भी कभी 1 था। हाँ, और मतलब अगर देखा जाए ना तो जो रशिया का टॉप पे जा रहा था, ठीक है, उसकी भी मार्क 3 थी और इसकी भी मार्क 3 है, ठीक है। तो मतलब इसलिए ब्रह्मोस को कहा जाता है कि वो दुनिया का मतलब तेज तरीन। नहीं नहीं, वो तेज तरीन तो ब्रह्मोस ही है। हाँ, मतलब आगे अभी तक कोई नहीं बना। वही मैं भी ये बोल रहा हूँ, सबसे तेज जाता है वो वाला, मतलब 3000 किलोमीटर पर आवर। हाँ वही ना, मुझे पता है तो तेज तो वही है उसका। अगर टॉप 10 फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल लिखेगा ना तो तुझे टॉप पे मिलेगा ये ब्रह्मोस। हाँ, और ये डेडलीस्ट थे जो ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले थे, उनकी भी उनमें भी ये 4th नंबर पे आ रहा है। और तो जो ज्यादा तबाही वाला, हाँ, जो ज्यादा तबाही मचाने वाले थे क्रूज मिसाइल वो ये 5 थे। हाँ, और इसमें अमेरिका का नहीं था। अमेरिका, मैं थोड़ा मतलब शॉक हूँ। मैं समझ रहा था कि अमेरिका होगा होगा, मैं समझ रहा था, मैंने मैंने कहा या तो फर्स्ट होगा या सेकंड होगा, लेकिन नहीं निकला। मैं थोड़ा इस पे हैरान हूँ, मुझे अमेरिका की टेक्नोलॉजी में ऐसी आ रही है। नहीं ऐसे की बात नहीं, मतलब कोई चीजें होती है ना, नहीं वो अपने आप को सुपर पावर बोलता है। नहीं नहीं, मतलब कोई चीजें होती है जिसमें नहीं होता। अब हर चीज तो नहीं है अमेरिका, वो हर चीज में मतलब कुछ चीजों में हर कंट्री रहा है। नहीं, लेकिन ये इक्विपमेंट और ये वेपन्स के लिहाज से ना अमेरिका कहता है ना। हाँ, लेकिन वो अगर लेकिन रशिया ये देखा जाए ना, रशिया ने भी काफी, रशिया के देख 3 थे। लेकिन ये बड़े फखर की बात है कि भाई इंडिया के पास भी है, इतने मुल्कों में सिर्फ जो टॉप 5 में है, 3 कंट्री इन 3 के बाद बड़े फखर की बात है। इन तीनों कंट्रीज के लिए इंडिया का मतलब क्या, अगर देखा जाए ना इन सब में, ठीक है, वो टॉप पे जा रहे हैं। लेकिन पता नहीं 4th नंबर पे क्यों इन्होंने रखा है, क्योंकि वॉरहेड भी ज्यादा लेके जा रहा है इसकी। अब ये अगर किसी को सही नॉलेज होगी तो कमेंट सेक्शन में हमें बताना कि क्यों मतलब 4th पे रखा गया, क्योंकि हमने जो चीज नोट की स्पीड भी ज्यादा थी, वॉरहेड भी ज्यादा, मतलब
और रेंज कैरी कर रहा था और रेंज भी इसकी ज्यादा थी। तो अब ये आप लोगों ने कमेंट में बताना है कि कैसे फोर्थ पे था। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे गेमिंग चैनल भी चेकआउट कर लिया, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, नमस्ते एंड सत श्री अकाल।